पूर्व सैनिक महासभा द्वारा एक अनूठा कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत सीमा में तैनात जवानों को गाड़ी के माध्यम से 11 लाख राखियां राखी के त्यौहार के दिन भूतपूर्व सैनिकों को पहुंचाई जाएंगी। आपको बता दें कि भूतपूर्व सैनिकों ने इस कार्यक्रम का नाम ऑपरेशन राखी रक्षा सूत्र रखा है और 15 अगस्त के दिन से रक्षा सूत्र कार्यक्रम बिलासपुर से चालू किया गया था, जिसके बाद राखी वाली गाड़ियाँ राजचंद गाँव पहुँची और वहीं राखी रक्षा सूत्र कार्यक्रम भूतपूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप राणा के नेतृत्व में किया जा रहा है। और हम लोगों ने इसके लिए सारा निःशुल्क है, किसी से हमने कोई पैसे नहीं कलेक्ट किए हैं। और संस्थाओं को भी बोला है कि जो आप रक्षा सूत्र कलेक्ट कर रहे हैं, जिनसे संग्रहित कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल कोई पैसे ना लें और हम इसको ले जाके ससम्मान आर्मी हेडक्वार्टर और नॉर्दर्न कमांड में पहुँचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है पूर्व सैनिकों की। जय हिंद। किया है और इस पूरे कार्यक्रम में हमारे मेन संयोजक हैं नेहा गुप्ता मैडम हैं, जिनके पूरे प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं नेहा मैडम का। मैं सुबेदार मेजर राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव। इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। डॉक्टर नेहा गुप्ता, न्यायाधीश समकक्ष अधिकारी दुर्ग संभाग स्थायी लोक अदालत से हूँ मैं, और अभी मैं सिविल सैनिक की उपाधि मुझे दी गई है पूर्व सैनिक महासभा से, और सिपाही संगठन की मैं लीगल एडवाइजर हूँ जी। नमस्कार।